हर समाज में पिता की एक अहम भूमिका होती है। माँ अगर धरती कही गई है तो पिता को आसमान माना गया है, और बच्चों को दोनों की बराबर जरूरत होती है। विमेन एम्पावरमेंट की बातें किसी पिता की इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकती। औरतें कितनी भी सशक्त क्यों ना हो गई हों, हमारी सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेंट है, और पदवी कोई भी हो उसे बरकरार रखने के लिए खासी कीमत चुकानी पड़ती है, जो पिता भी चुकाते हैं। ये अलग बात है कि उस पर बात बहुत कम होती है। अपना दबदबा कायम रखने के लिए खुद को ताकतवर दिखाना पड़ता है, उस वक्त भी जब आप टूटने के कगार पर हों, अपनी कमजोरियों से हार रहे हों। लेकिन पिता ऐसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि कोई बच्चा अपने पिता को हारते टूटते नहीं देखना चाहता, क्योंकि पिता उनका सुपर हीरो होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुनिया की हर मुश्किल का हल होता है। बच्चों के मुंह से आपने सुना ही होगा, मेरे पापा सबसे स्ट्रांग हैं, मेरे पापा सुपरमैन हैं, मैं पापा को बोल दूंगा वो आपकी पिटाई करेंगे, मेरे पापा मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगे। बच्चों के मुंह से निकले इस तरह के जुमले जहां एक पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं, वहीं जाने अनजाने उनके कंधों पर ढेर सारी उम्मीदों का बोझ भी डाल देते हैं, और वो भी अपने बच्चों का हीरो सुपरमैन बनने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उन्हें बेस्ट देने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, कई बार तो इतनी कि ना मैन बचता है ना ही उसकी वो सुपर पावर। हर समाज में पिता से बहुत सी अपेक्षाएं की जाती हैं, वो घर की जिम्मेदारी उठाए, सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे, और आजकल तो ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाले और बच्चों की देखभाल भी करे, वो भी बिना किसी शिकायत के। उस पर भी लगातार बच्चों और पत्नी द्वारा अपनी तुलना का भय बना रहता है, लेकिन अपनी कमियां मजबूरियां वो घर वालों के आगे नहीं रखता, रख ही नहीं सकता। उससे ये उम्मीद की जाती है कि ऑफिस के कंपटीशन को, बॉस की झाड़ को, बाहर की दुनिया में मिलने वाली आलोचनाओं, अवहेलनाओं, प्रताड़नाओं को वो छुपा के रखे या ऑफिस में ही छोड़कर आए, कम से कम अपने बच्चों के आगे तो ना दिखाए। आखिर वो मर्द है और मर्द को दर्द कैसे हो सकता है? लेकिन दर्द सबको होता है, दिल सबका रोता है, बस पिता को अपना दुख अपनी पीड़ा कहने की इजाजत नहीं होती। माँ तो अपने दुख दर्द कह सुन लेती हैं, अपने बच्चों के आगे रो लेती हैं, एक पिता वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपने पिता को भी ये मजबूत चट्टान वाला खोल पहने देखा होता है, इसीलिए वो अपनी कमजोरियों के साथ खुद को उसी खोल में बंद कर लेता है। जब बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब या तो वो आक्रोश गुस्से की शक्ल में बाहर निकलता है, या अवसाद या किसी लत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हमने माता पिता को इंसान रहने कहां दिया है, उन्हें देवी देवता बनाकर रख दिया है, जिनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, जो कमजोर पढ़ ही नहीं सकते। हम सोचते हैं वो कभी अशक्त होंगे ही नहीं, हमेशा एक हीरो जैसे रहेंगे, लेकिन जब उन्हें कमजोर पड़ता देखते हैं, अशक्त होते देखते हैं, तो सहन नहीं कर पाते, मान ही नहीं पाते कि ये वही पिता हैं जिन्होंने कभी लड़खड़ाते कदमों को सहारा दिया था, भीड़ में कंधों पर चढ़ाकर सुरक्षा दी थी, दूर आसमान में तारे दिखाए थे, दुनिया को देखने का नजरिया दिया था, कितना कुछ सिखाया था। हमने उन्हें एक ऊंची पदवी पर बिठा दिया है, उस ऊंचाई से वो जरा सा भी नीचे आते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जाने कौन सा डर होता है हमारे भीतर कि हम उन्हें इंसान रहने ही नहीं देते। आइडियल बनाना अच्छी बात है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आइडियल भी हमारी तरह एक इंसान ही होता है,